हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे कि हम 5 मिनट में ऑफिस मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है बेला वीटा का टोनर। इसको ड्राई होने के बाद मैंने नेक्स्ट लिया है फेस सीरम। और फेस सीरम मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का अप्लाई किया है। आप चाहें आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नाइका का प्राइमर लिया है। और अगर आप चाहें आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। प्राइमर लगाने से हमारा जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आप 2-4 घंटे के लिए मेकअप चाहते हैं तो आप प्राइमर स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्राइमर लगा लें, उससे आपका जो बेस होता है वो भी बहुत क्लियर हो जाता है और मेकअप भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर लिया है। मैं इसे अपने अंडर आई में लगा लूँगी और अपने कुछ हाइलाइटनिंग पॉइंट्स में लगा लूँगी। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं हैं तो आप ये पार्ट को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है। अगर आपके नहीं आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लगा सकते हैं। और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। आप चाहें आप अपने फिंगर टिप का इस्तेमाल करके भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं और किसी ब्रश के इस्तेमाल से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा है आप उस जगह पे कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। उसे वहाँ पर अप्लाई करके आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए तो जो आपकी जो भी पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी और अच्छे से कवर कर लेता है कंसीलर आपकी पिगमेंटेशन को। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे नाइका का फाउंडेशन लिया है और इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगाने के बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और मैं डैबिंग मोशन में अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। अगेन आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ ना करके ब्रश या फिंगर टिप की हेल्प से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। फाउंडेशन लगाते टाइम आपको अपने नेक को नहीं भूलना है। नेक पे भी प्रॉपर तरीके से आपको फाउंडेशन को लगाना है जिससे कि आपके नेक और फेस का जो कलर का डिफरेंस है वो दिखे ना। अब मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। उसको ब्रश की हेल्प से मैंने अपने अंडर आई में सेट कर दिया है जिससे कि जो मैंने फाउंडेशन और कंसीलर लगाया है वो सेट हो जाए। और मैंने अब अपनी आईब्रोज़ को सेट करने के लिए ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल ली है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मिस क्लेयर की पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आईब्रो सेट करने के लिए और बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है क्योंकि उसका प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। पर मैंने ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल इस बार ली है और ये इतना ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसका डार्क ब्राउन शेड है, इनफैक्ट इसका जो प्राइस है वो मिस क्लेयर की पेंसिल से भी बहुत ज़्यादा कम है। ब्रश की हेल्प से मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी पाउडर जो मैंने सेट करने के लिए लगाया था। फिर मैं सेम कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मैट फिनिश देता है। और मैंने इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रश लिया है। नेक्स्ट मैंने आई मेकअप में सिर्फ मस्कारा इस बार अप्लाई किया है और उसके लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का हाइपरकर्ल मस्कारा लिया है क्योंकि ऑफिस वेयर में हम इतना ज़्यादा ड्रामेटिक आई अपनी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने आईलाइनर को स्किप किया है। आप अगर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन ये मस्कारा इतना अच्छा काम करता है कि आपकी आई जो है बहुत ब्यूटीफुल लगने लगती हैं। आपको ज़्यादा काम अपनी आईज़ पर नहीं करना होता है। मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए और सारे के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अपर लैश पे मस्कारा लगाने के बाद मैं लोअर लैश पे भी मस्कारा लगाऊंगी क्योंकि लोअर लैश पे मस्कारा लगाने के बाद आपकी आईज़ बड़ी लगती हैं और मेकअप और ज़्यादा सुंदर लगता है। क्योंकि इस मस्कारा का जो एप्लीकेटर है वो इतने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको लोअर लैश पे मस्कारा लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस मस्कारा की यही लगती है।
अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का वाइट काजल पेंसिल लिया है। वाइट काजल लगाने से आपकी आईज़ बड़ी लगती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट मैंने माइग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक ली है पिंक शेड में। मैं इसको अपने चीक बोन्स पर लगा लूँगी। ब्लश लगाने के बाद आपका मेकअप काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत सुंदर सा लुक आता है। इस मेकअप को फाइनल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन की लिपस्टिक को अप्लाई किया है और इसका शेड है टच ऑफ स्पाइस। बहुत ही सुंदर सा न्यूट कलर है ये और डस्की स्किन टोन पे बहुत सुंदर लगता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।